टू में तेरा दीवाना में और जिस तरह सेफ एंड साउंड एंड दिस टाइम अराउंड टू डिस्प्ले हिस दीवाना पन फॉर इिस लेडी लव फॉर इज ड्रीम गर्ल इट इज एन एप्सल्यूट ट्री टू वॉच लेट मी टेल यू वन आई से इट इज एन एब्सलूट ट्री टू वॉच आई रियली मीन इट बिकॉज द विजुअल्स आर एप्सल्यूटली स्पेक्टैकुलरली डिलाइटफुल ब्यूटिफुल लोकेशन एंड मेसमराइजिंगली शॉर्ट यार सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी टॉप क्लास है यार एक सुपर प्लेजेंट हैप्पी फीलिंग आपके मन में आएगा जब आप एक गाना देखोगे और उसके बाद जब आप गाना सुनोगे ना यार पहली बात तो लिरिक्स यार सच स्वीट सोलफुल हार्ट टचिंग लिरिक्स एब्सोल्युटली नो चीपनेस नो वेलगैरिटी वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड रिटन बाय रोमियो हिमसेल्फ तेरी जुल्फों की नमी ना तुझमें कोई कमी यार आप राइम स्कीम देखो आप मीटर का ब्यूटी देखो जिस मीटर में लिरिक्स को कंपोज किया गया है रोमियो द्वारा सुपर जॉब यार और उसके बाद कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं यार सबसे पहली बात तो जैसे वो गाना शुरू होता है ना बजना एक विस्लिंग ट्यून आता है यार अरे सुपर

एंड सिंगिंग का आप जादू देखो वो दीवाना में जो वेरिएशन लाए यार मैं सिंगर नहीं हूं नहीं तो थोड़ा गा के सुना सकता हूं बट आई ट्राई दीवाना उसके बाद दीवाना को फास्ट में गाता है। दीवाना दीवाना इट्स सो नाइस टू हियर सच सिंपलिसिटी sophistication in his singing that is what really stood out for me यार और दोस्तों अब अगर story की मैं बात करूँ इस बार पहली बार पहले part वन में तो it was all about his फित इसमें उनका दीवानापन फॉर इज लेडी लव द वे ही मेक्स इज गर्ल इज ड्रीम गर्ल फील सेफ द वे ही लुक्स आउट फॉर अर दर्यर्स फॉर अर द वे प्रोटेक्ट्स मेक्सर द वे वे मेक्स फील द द ही लव्स गर्ल वो लड़की समझ जाती है भाई कोई है गार्डियन एंजल समवन हु इज लुकिंग आउट फॉर मी इसलिए तो आप देखो जब उनका नेकलेस चोरी हो जाता है वो आदमी को बोलता है यार जाने दो जाने दो चोर को जाने दो बिकॉज शी नोज दैट इट हैज टू अल्टीमेटली कम बैक टू हर और वो जो लास्ट सीन है दैट इज इजैकुलरली शोन यार सबसे पहली बात तो वो जो आइडिया है द आइडिया ऑफ द गर्ल डूइंग समथिंग क्रेजी नोइंग वेरी वेल दैट इज विल कम एंड प्रोटेक्ट हर उतना फेथ है उनको उनके उस लवर में जिन, जिन, जिसको उन्होंने देखा नहीं है अब तक तो वेन शी ब्लाइंड ब्लाइंड फोल्ड हर्सल स्टार्ट वॉकिंग इन दैट बिजी स्ट्रीट अमिटस्ट ऑल उफ यार उपरली शॉर्ट सीक्वेंस और जिस तरह से लास्ट में रोमियो उनको आके बचाता है यार द दें एंड द वे गिव User, her necklace, अरे superbly well, well written storyline, very well executed by Romeo and by each and every single one and very well shot as well, especially that last scene. Like I said, it's a visual delight, the song and it's a superb song, very very beautiful, soothing and pleasant number to listen to. I'm going with 3.5 stars. But is बार bhi मैं ek सवाल puchunga jo last time pucha tha. कौन है वो लड़की, वो real लड़की, जिनके लिए आपने ये गाना लिखा है, वो Romeo ने अब तक शायद reveal ही नहीं किया. तो लेट्स वेट एंड सी व्हेन रोमियो विल रिवील द नेम ऑफ दैट गर्ल और हर आइडेंटिटी टू रोमियोज फैंस वी विल वेट फॉर दैट टू हैपन बट अगर आपने देखा है तेरा दीवाना देखना जरूर और मुझे लिखकर बताना आपको ये गाना कैसे लगा चलिए फॉर द मोमेंट टाटा